हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा दूसरी का पार्ट चार अभ्यास का महत्व ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात है कि अभ्यास का महत्व, हम जितनी अधिक प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, हम उस कार्य में उतने ही अधिक निपुण हो जाते हैं। इस पार्ट में अभ्यास के महत्व के बारे में बताया गया है। बुद्धिराज नामक एक मंद बुद्धि लड़का था। कैसा लड़का था? नाम तो उसका बुद्धिराज था, लेकिन वह बुद्धि से कमज़ोर था। उसे अपना पाठ कभी भी समझ में नहीं आता था। जिस विद्यालय में वह पढ़ता, उसमें पढ़ने वाले अन्य छात्र उसका मजाक उड़ाया करते थे। अध्यापक अक्सर कहते थे, मतलब हमें छात्र तो मजाक उड़ाते ही थे, लेकिन अध्यापक भी हमेशा उसे कहते थे कि बुद्धिराज, तुझे तो भगवान ही पढ़ा सकते हैं। बुद्धिराज के सहपाठी उसे चिढ़ाते थे। सहपाठी में कक्षा में साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उसे चिढ़ाते थे। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे, तब वह सो रहा था। इस प्रकार कोई उसे बुद्धू कहकर तो कोई मूर्खराज कहकर मूर्खराज। उसे स्वयं भी यह लगता कि वह मंद बुद्धि है, मतलब वह बुद्धि में कमज़ोर है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। अध्यापक उसे बहुत समझाते, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन अध्यापक ने निराश होकर कहा, बेटा बुद्धिराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि अध्यापक ने निराश हो गए, उसको बड़ी मुश्किल से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल रहे। और लास्ट में थक कर उन्होंने बुद्धिराज को कहा, बुद्धिराज, लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अब क्या हुआ, इससे तो यही अच्छा होगा कि तुम जाओ और अपने पिता के काम काज में हाथ बटाओ। तो गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि इससे तो अच्छा यह है कि अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो तुम जाकर अपने पिता के काम में मदद करो, उनका हाथ बटाओ। अध्यापक की बात सुनकर बुद्धिराज बहुत उदास हुआ। दुखी होकर वह अपने घर के लिए चल पड़ा। और चलते चलते दोपहर हो गई। और बोला दोपहर जैसे ही वह दोपहर हो गई तो वह एक रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे जोरों की प्यास लगी थी और उसे थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। उन्हें देखकर वह भी पानी पीने कुएं पर चला गया। कौन? बुद्धिराज। वहाँ पर क्यों चला गया? क्योंकि उसे वो काफ़ी चलते चलते थक गया था और उसे बहुत प्यास लगी थी। जब औरतें कुएं पर पानी भर रही थी तो उनको देखकर वो रुक गया था। अचानक उसकी नज़र कुएं की जगत पर बने गड्ढों पर पड़ी। उसने पानी निकाल रही औरतों से कहा, आप लोगों ने घड़े रखने के लिए गड्ढे क्यों बनाए हैं? उसकी बात सुनकर सभी औरतें हैरान हो गई। मतलब जब बुद्धिराज ने कहा कि तो आप लोगों ने पानी रखने के लिए गड्ढे क्यों बनाए हैं, तो ये सुनकर सभी औरतें अचंभे में पड़ गई, ऐसा क्यों कह रहा है। एक औरत ने उससे कहा, बेटा ये गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, यहाँ बार बार घड़ों को रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गए हैं। उसने पूछा, क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है
कि उसके रखने से पत्थर पर भी गड्ढे बन गए। तब उस औरत ने समझाया, हाँ बेटा, यह देखो कुएं की जगत पर रस्सी से घिस घिस कर घिस घिस जाता है, तो बार बार अभ्यास करने से मैं बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकता। अब उसे सीख मिल चुकी थी, उसकी निराशा का वहीं अंत हो गया था, क्योंकि उसने वो काफ़ी निराश हो गया था कि सब मुझे बुद्धू, बेवकूफ, मूर्ख ये सब कह के बुलाते हैं, शायद हो सकता मैं मुझ में ही कमी है। लेकिन जब उसे औरत द्वारा दी गई सीख से ये ज्ञात हुआ कि जितना हम अभ्यास करते हैं हम उसमें उतने ही अधिक निपुण हो जाते हैं, तो वहीं पर उसकी निराशा का अंत हो गया और उसने जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली। अब क्या हुआ, जब मिट्टी के बड़े और कोमल रस्से से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकता, मैं बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकता। अब उसे सीख मिल चुकी थी और मैं खूब मेहनत करूँगा और मैं बार बार अभ्यास करूँगा, मुझे विद्या कैसे नहीं आती है, फिर देखूँगा कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसने मन में ठान लिया और कि कहा कि अगर ये इतने अभ्यास करने के बाद ये अपना नाम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपना नाम जीवन में कर सकता हूँ। अगले दिन वह विद्यालय पहुँचा और अध्यापक के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपने मन की बात बताई। अध्यापक उसकी बातों से प्रसन्न हो गए। अब जब बुद्धिराज ने औरतों जब पानी भर रही थी वो सारी बातें औरतों के पानी भरने वाली बात जब गुरुजी को बताई तो अध्यापक उसकी बातों से काफ़ी खुश हो गए। अब बुद्धिराज अभ्यास की महिमा अब बुद्धिराज अब अभ्यास की महिमा महिमा का ज्ञान करने लगा। अब क्या हुआ कि जब बुद्धिराज में अभ्यास की महिमा जान चुका था, तो उसने दिन रात पूरी कठोर परिश्रम की और जीवन में अपना नाम उजागर करने की जीवन में अपना नाम ऊंचा करने के प्रति में लगा रहा। वह दिन प्रतिदिन यानी दिन रात पढ़ाई में लगा रहता और पढ़ाई में होशियार होता चला गया। जब उसने धीरे धीरे अभ्यास करना सीख लिया, उसके बाद में उसके दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि अभ्यास से ही मूर्ख से मूर्ख इंसान निपुण हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। बड़ा होकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान बना और यही बालक जो मंदबुद्धि के नाम से जाना जाता था, वह बड़ा होकर एक विद्वान के नाम से जाना जाने लगा। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि लगातार विद्या का अभ्यास करने से मूर्ख भी पंडित हो सकता है, यानी कि जितना हम अभ्यास करेंगे हम उस विषय में उतनी ही निपुणता ला सकेंगे।